मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 में घर में अचानक से आग लगने से लाखों की संपत्ति के नुकसान होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मधेपुरा के भिरखी सुकासन रोड वार्ड नंबर 25 निवासी कुमोद कुमार अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गए थे कि अचानक से उनके घर और बिल्डिंग की दुकान में भयानक आग लग गई। इस बात की सूचना स्थानीय लोगों ने उन्हें फोन पर दी और जब तक वह घर पहुंच पाते तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। पीड़ित कुमोद कुमार ने बताया कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक रिश्तेदार की शादी समारोह में भाग लेने गए थे। आज दोपहर में स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें घर और दुकान में आग लगने की सूचना मिली। पीड़ित ने बताया कि उनकी दुकान में रखे एक जनरेटर, दो वेल्डिंग मशीन, दो कटर मशीन, दो ग्राइंडर, एक बड़ा लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ट्रंक और ट्रंक में रखा सामान, सिलाई मशीन, घर में रखे सारे कागजात, पलंग, गोदरेज सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। उन्होंने बताया कि लगभग 7 लाख की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। इधर स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे दो दमकल की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया है। कैसे आग लगा बताइए? आग हम लोग नए थे, शादी में गए थे और उसके आना था, क्या हुआ आग लगा हुआ वो फोन किया था, हम आए। कितना का क्षति? क्षति कम से कम होगा 6-7 लाख का संपत्ति। क्या नाम हुआ? कुमोद कुमार।